हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको, कान्हा आपको खुश रखें, आपको हेल्दी रखें, आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आए। ठीक है, आज हमारी जो रीडिंग है वो भी ब्लेसिंग्स पर ही बेस्ड है कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं और आपको किन ब्लॉकेजेस को बेसिकली अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आप उन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है, 3D फॉर्म में उनको अपनी लाइफ में लेकर के आ पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो है ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें जो भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट हों, रेजोनेट हों, उन्हें ही लीजिएगा, बाकी जो है उन्हें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के ना कमेंट आते हैं कि ये सन मून राइजिंग पर किस पर बेस्ड है। देखिए, ये एनर्जी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है आपका सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, राइजिंग साइन क्या है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है ना, तो देखिए आप अपने सन मून राइजिंग तीनों को देखिए, ठीक है, जोन से ही रीडिंग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। मे बी आपसे एक रीडिंग हो, दो रीडिंग हो या तीन रीडिंग हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके राइजिंग सन मून जो भी है आपका साइन। तो जोन सी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी पिक कर रही है, उसे ही देखिएगा। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, बताएं। Appreciation, Empress, okay. टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये तो सीधा ही आ गया तो हम ले लेते हैं, हमें एक ही चाहिए था, लेकिन आपके लिए तीन तीन कार्ड्स आ गए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी माय डियर, ओके, ओके, रीच आउट, ब्यूटिफुल, ओके। तो यस, पहले हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड था टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सरेंडर टू द डिवाइन, थोड़ा सा स्पेस इश्यू है, ओके। फर्स्ट कार्ड है आपका द गार्डन इन द गेट। नाउ स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग एंड फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल। Three of Cups, Ace of Swords and Queen of Swords. Success and growth.
सीक द ट्रूथ। जस्ट ब्रीथ। ओ माई गॉड, ये आपके लिए दो बार मैसेज आया है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड जस्ट ब्रीद माई डियर। लिब्रा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, अपने लिए थोड़ा ये थोड़ा समय जो है ना ब्रेक लो। ओके, इस समय ना आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं करंट जो मूवमेंट आपका चल रहा है, आप लोग बैक सीट पर हो और आपकी जिसे कहते हैं कि लाइफ की जो गाड़ी है ना, उसके जो ड्राइवर हैं वो डिवाइन है। ठीक है, तो आपको इस समय क्या करना है, इस समय सिर्फ आपका काम है अपनी अपने आप को हील करना, अपने साथ समय बिताना, मेडिटेट करना और डिवाइन को सरेंडर कर देना। ठीक है, आपको भी खाली नहीं बैठना है। ये वक्त आपका आ रहा है नेगेटिविटी, जितनी भी आपने एब्जॉर्ब कर रखी है अपने अंदर नेगेटिविटी को, उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आई है कि इस वक्त में जो भी आप जिस भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, जिस भी चीज़ को जिसे कहते हैं ना कि हम चाहते थे इस तरीके से चले लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं चली, स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है यहाँ पर, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चली, यहाँ पर जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अभी हाल फिलहाल क्या करना है, मेडिटेशंस पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, रेस्ट लीजिए, टाइम लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। ठीक है, अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, और बाकी सब जो है डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। अपनी लाइफ में देखिए कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, क्या आप बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने आप को थका रहे हो, या फिर आप क्या स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो भी प्रैक्टिसेस आप लोग करते थे क्या उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी कहीं भी डिसबैलेंस हो सकता है, तो कहने का मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के बैलेंस क्रिएट कीजिए, बैलेंस मेंटेन करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। अभी वक्त है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो करके अभी थोड़ा अपने ऊपर काम करने का वक्त आ गया है, अपने को समय देने का वक्त आ गया है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ना इस मोमेंट पे आपकी लाइफ में, माय डियर लिब्रा, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप जिस भी चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी विजन्स क्लियर नहीं है, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन आप वहाँ पर पहुँचने वाले हो, आपके सामने सच्चाई आने वाली है। आपके लिए ना बहुत यहाँ पर सपोर्ट बहुत है, डिवाइन का सपोर्ट बहुत है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट बहुत है, आपकी स्पिरिचुअल टीम का यहाँ पर सपोर्ट बहुत है, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है। खासकर अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए इस वक्त में, आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उस पर फोकस करने का वक्त इस समय आ गया है, क्योंकि आपको अपनी तरफ से जिसे कहते हैं कि खींचातानी नहीं करनी है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपके लिए, कुछ यूनिक, कुछ अलग हट करके, बेसिकली वो चीज़ कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, उन ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि यूनिक है, जो शायद आपकी आपके लिए वो इम्पॉसिबल था, या आपने कभी ये सोचा था कि शायद मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये ब्लेसिंग्स, या फिर मैं कहूँ ये इस पाथ तक पहुँचना, इस चीज़ को पा पाना मेरे लिए नामुमकिन है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर पाथ आपका हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है माय डियर। सबके लिए ये अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ अनक्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए है, वो कुछ कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो चीज़ें अभी हिडन हैं और उस पर काम चल रहा है, बस आपको इस वक्त बोला जा रहा है आप बैलेंस कीजिए,
अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, और अपनी लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन कीजिए। ये वक्त आपका इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है लिब्रास, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन पावर्स हैं आपकी, और बस आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है इस वक्त। अपनी जो भी प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर के किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। प्रैक्टिसेस मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस को लेकर के, हीलिंग्स को लेकर के, ठीक है, अपने विश्राम को लेकर के, अपनी नींद को लेकर के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करें इस वक्त में। भरपूर नींद लेने का समय है यहाँ पर, क्योंकि आने वाला समय मैं आपके लिए बहुत बिजी शेड्यूल यहाँ पर देख रही हूँ, बिजी टाइम यहाँ पर देख रही हूँ, जो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो और अपने काम में भी बहुत व्यस्त हो, जिसे कहते हैं। तो ये वक्त आपको रिलैक्स होने का है, ये वक्त अपने आप को रिचार्ज करने का है, ताकि आप स्पिरिचुअली भी अवेकन हो पाएं और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट हो पाए। और यही ये जो आपको क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है ना, ये जो मेडिटेशंस आपको बोली जा रही है, ये जो बोला जा रहा है कि अपने अंदर जाइए, डीप कंटेम्प्लेशन कीजिए, ठीक है, अपने आप से जुड़िए, हीलिंग कीजिए अपनी, आपको वहाँ पर वो एक जिसे कहते हैं ट्रुथ वही मिलेगा आपको, सच्चाई जिसे कहते हैं ना, कि यहाँ पर देख रहे हैं वो पर्दा हट रहा है, जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं थी, वो सारी चीज़ें, वो विजन्स क्लियर आपके वहीं होंगे, वहीं से ही वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वहीं से ही वो नॉलेज की प्राप्ति होगी, वहीं से ही चीज़ें आपको जो है आपके सामने आएंगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो भी इस समय आप डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को पास कर रहे हो ना माय डियर लिब्रास, आपके लिए, आपके सामने ना कुछ सच्चाइयों से पर्दा उठने वाला है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इल्यूजन्स में से आप बाहर आओगे, जो चीज़ें में भी आपके सामने ट्रू नहीं थी, कुछ ट्रूथ मुझे आपके सामने जिसे कहते हैं कि ओपन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे शायद आपको वो चीज़ें नहीं पता थी, और आपकी लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी थी, आपके अंदर भी जिसे कहते हैं ना कि वो कहीं एक शांति नहीं, वो कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं थी, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपकी जुड़ी हुई है। मैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है एक कोर्ट कार्ड भी यहाँ पर आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बटरफ्लाइज बने हुए हैं, तो बेसिकली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी आप अभी तक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक गलत जगह पर थे, एक गलत सिचुएशन में थे, और अब बिल्कुल जिसे कहते हैं यू टर्न हो जाना, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री लाइफ चेंज हो जाना, और इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कुछ सच्चाइयां आपके सामने ओपन होनी। ये कहीं ना कहीं ये इंस्टेबिलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आपके लिए आ रही है, लेकिन स्टॉर्म से होकर के गुजर रहे हो आप, ठीक है। और मैं कहूँगी कि आप बस ये स्टॉर्म से होकर के गुजर रहे हो, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पिछले कुछ समय से गुजर ही रहे हो, अब वो चीज़ का अंत होने वाला है, बस आप अपने टर्निंग पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट तक पहुँचने वाले हो। यहाँ पर देख रहे हैं रीच आउट, लगभग लगभग जिसे कहते हैं कि आप पहुँच ही गए, ये जो आप अभी ठहराव अपनी लाइफ में, वो सक्सेस, जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो ना, जो भी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, बस वो आप जिसे देख रहे हो वो आप तक पहुँचने ही वाली है। तो इस मोमेंट पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप को रेडी करना है इस ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इस ब्लेसिंग्स के वेलकम के लिए अपने आप को तैयार करना है, और इसके लिए रिक्वायर्ड है आपकी हीलिंग होना, आपके पुराने जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड थॉट पैटर्न्स हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी आपके फियर्स हैं, जो आपको पुल बैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्डन एंड द गेट का भी कार्ड है, ठीक
ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको एक न्यू स्टार्ट करने से रोक रहे हैं, उन सभी चीज़ों को रिलीज करने का वक्त आ गया है। मैं आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और ग्रोथ यहाँ पर देख रही हूँ। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये विश्व, ये सेलिब्रेशन का ये जो कार्ड है ना, ये किसी ना किसी चीज़ को आप, जिसे कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करना, अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए बिल्कुल यू टर्न देख रहे हैं, जो भी टेंशन्स है ना आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जिन भी थॉट्स में आप स्टक्ड हो, आपको उससे बिल्कुल बाहर लेकर के आया जा रहा है एक एम्प्रेस की एनर्जीज में, एक हाई वाइब्रेशंस में, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस में जंप करना। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूँ ना लिब्रास, तो आप बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो। कहते हैं ना कि डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन फिर अपने आप को जगाते हो कि यस, नहीं मेरे लाइफ में, वो कहते हैं ना कि, मैंने बोला आपको इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बड़ा स्ट्रांग है। भले ही आपकी प्रैक्टिसेस कम हो गई हों, भले ही आप उतने कनेक्टेड नहीं रहे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम डिवाइन का हार्ट अगर थोड़े वक्त के लिए छोड़ भी देते हैं ना, कभी भी डिवाइन हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब, आपकी तरफ तो वो सपोर्ट पूरा है, आपको गाइडेंस पूरी है, और इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशंस में लेकर के जाया जा रहा है, इस ब्लेसिंग्स की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। जो भी रिश्तों में कड़वाहट थी, रिलेशनशिप इश्यूज आपके चल रहे थे, फर्टिलिटी को लेकर के अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, करियर वाइज कुछ इश्यूज चल रहे थे, एप्रिसिएशंस नहीं मिल रही थी, या आप जिस जगह पर भी काम कर रहे थे वहाँ आपको सराहा नहीं जा रहा था, ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी लाइफ में, वो उन सभी चीज़ों को आप अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बस आपको यहाँ पर क्या करना है लिब्रास, आपको बोला जा रहा है यूं ही ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़ते रहिए। झूठ का सहारा या फिर किसी गलत राह का सहारा आपको नहीं लेना है। देखिए यहाँ देख रहे हैं जॉय एंड स्टेबिलिटी, रीच आउट, इससे पहले ये कार्ड था, लेकिन उससे पहले आपको अपने जो भी फियर्स हैं उन सभी को रिलीज करना है। जिन भी टेंशन्स में आप हो ना, बेसिकली देखिए हील का कार्ड है एंड कन्फ्रंट का भी कार्ड है, पहले तो उसे पहचानिए और उस पर काम कीजिए। देख रहे हैं आप, हील कीजिए अपनी शेडो को, अपने डार्केस्ट फियर को, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, ठीक है। मैं कहूँगी कि ये वक्त ना लिब्रास, द गार्डन एंड द गेट मुझे ये भी बता रहा है, जो भी आप यूनिक या जो भी आप कुछ हट करके, जो भी आप अपने रूटीन से बाहर कुछ करना चाहते हो, कहने का मतलब जो भी आप एक कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर के अपनी लाइफ में करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी एरिया है आपकी लाइफ का, खास करके ये करियर वाइज हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस कम्फर्ट जोन से बाहर आएँ। उससे बाहर आएंगे ना, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पर, आपको भी नहीं पता कितनी सक्सेस एंड ग्रोथ आपके लिए वहाँ पर लिखी हुई है। तो जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी सोचें आपने इस चीज़ के लिए पाल रखी है ना, उसे निकालिए, क्योंकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने आप को ओपन कीजिए माई डियर, ओपन कीजिए। यहाँ पर ये देख रहे हो हील हार्ट चक्रा, अपने आप को ओपन कीजिए। एक बहुत ही, जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव, मुझे पोजीशन में आप आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। यस, मैं यहाँ पर बात कर रही थी ना कि आपके रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर हील हो रहे हैं। अगर कहीं यहाँ इशू था कि आपके अपने आपको वो मान सम्मान नहीं दे रहे थे, तो वो मान सम्मान आप दोबारा से पाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। लेकिन यहाँ जो आपको गाइडेंस दी जा रही है ना माय डियर लिब्रास, उस पर काम कीजिए,
उस पर काम कीजिए, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी फियर्स हैं, जो भी शेडोज़ हैं ना, उस पर काम कीजिए और अपने विंग्स को फैलाइए, ठीक है। अपने अपने आप को लिमिट मत कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर जो भी कुछ आपका कंफर्ट जोन से बाहर वाली जो सिचुएशंस हैं कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, कर डालो। फूल की एनर्जीज़ में हो आप, मतलब एक फूल की एनर्जीज़ में टैपिंग कीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तभी आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस हैं, वो ट्रू हो पाएंगी। देख लीजिए आप, आपके लिए तो यहाँ पर वो कार्ड भी उपस्थित है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ठीक है। तो डिवाइन तो काम कर ही रहे हैं, आप थोड़ा सा काम कीजिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और सच्चे दिल के साथ जो वाकई में आपके लिए सही है और आपको कनेक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनको लेकर के आगे बढ़िए। अपने फियर्स को ना, जिसे कहते हैं कि घुसा मार के भगा देना है, फेस कीजिए फियर्स को, डर के आगे जीत। लाइन सुनी है ना, डर के आगे क्या है, जीत। तो एक बार फेस कर लो उस डर को, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। डरो मत, ये कोई चाइल्ड आपका चाइल्डहुड इशू हो सकता है कोई, ठीक है। बचपन से, जिसे कहते हैं कि कोई ऐसे आपको थॉट पैटर्न्स में डाला गया हो, आपकी सोच ऐसी हो गई हो, या फिर कोई बचपन का ही कोई आपके अंदर कोई एक ऐसे आपको लिमिटेशंस में आपको डाल दिया हो, उसे बेसिकली ब्रेक करने का वक्त आ गया है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज भी मिल रहा है, आई डोंट नो, मुझे इस कार्ड को देख करके ये मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, कि जैसे कि आप कोई एक पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो। लिब्रास, अभी आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका माइंड कहाँ चल रहा है। माइंड इन द सेंस आपकी इंट्यूशंस आपको आजकल क्या करने के लिए बोल रही हैं, किस तरफ आप जाना चाहते हैं। आप किसी पैटर्न को बेसिकली चलते हुए एक पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो, वो उस काम के लिए भी आपको यहाँ पर भेजा गया है। उस काम में बहुत, जिसे कहते हैं कि सक्सेस है, और ये एनर्जीज मुझे ऐसी बता रही है कि एक होता है ना कि वो एक सिचुएशन कि नहीं, हमारे फैमिली में तो ये काम कोई नहीं करता वो पैटर्न जैसे ब्रेक हो रहा है। आप अपनी, जिसे कहते हैं ना कि ख्वाबों को पूरा करने वाले हो, यहाँ पर वो पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए ना स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर से लेकर के आनी होगी। ये जो भी डर है ना, ये आपका इल्यूजन है, ये जो भी चीज़ें आपको बांध रही है, आपके खुद का थॉट है। आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप इस सिचुएशन, इस चीज़ को पूरा कर सकते हो, बस ये इल्यूजन से बाहर आ जाओ। ये जो चीज़ें आपको डरा रही है ना, ये जो चीज़ें आपको पकड़ के बैठी हैं, ये सिर्फ एक जाल है, दैट्स इट, ओके। इस पर काम कीजिए, अगर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, तो फिर नहीं काम कर पाओगे। कहते हैं ना कि दिमाग को यूज़ नहीं करो इस समय, इंट्यूशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो, ईश्वर पर छोड़ दो, डिवाइन पर छोड़ दो, फुल की एनर्जीज में आ जाओ। तो यही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और बस यहाँ पर लिमिट मत करो अपने आप को। कोई तो चीज़ है आपकी लाइफ में, ये जो भी ड्रीम है ना आपका पूरा हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने फियर्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। बेसिकली शेडो वर्क की बात हो रही है यहाँ पर, हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कीजिए, ठीक है। होपनोपो प्रेयर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यस, मून की एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर्स और ग्रो कर पाएँ। ये मैं मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं बता रही माय डियर, ठीक है। मेडिटेशन तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन यस, टेरेस पे जाइए, अपनी गैलरी में जाइए, ठीक है। मून को देखिए, मून को, स्टार्स को, सबसे पहले तो अपने अंदर की शेडो को ना रिकॉग्नाइज़ कीजिए, अपने अंदर की कमियों को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, ठीक है। उन्हें जानने की कोशिश कीजिए कि यस, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। कंप्लीशन के कार्ड हैं यहाँ पर, 9-9 की एनर्जीज है, ओके।
कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई एक पैटर्न जो है वो फिनिश हो रहा है। दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही थी। कि आपको ना फूल की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, कि अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ना ही होगा। या मैंने बोला ना, ये वक्त थोड़ा चैलेंजिंग टाइम से आप गुजर रहे हो। इस वक्त में ये वक्त थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इस वक्त को थोड़ा मैं कहूँगी डिवाइन को सरेंडर कर दो। ओवर थिंक मत करो, आप सिर्फ रेस्ट करो और रिकंसिडर करो अपनी, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कि मेरे लिए मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअल में। क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन्स भी बहुत हैं, बट आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, आपको पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है, चाहिए क्या आपको अपनी लाइफ में, क्या करना है आपको, क्या गोल क्या है आपका, उसे फिक्स कीजिए। और मैंने बोला ना कि गाइडेंस तो आपके लिए आ ही रही है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ ही रही है, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ ही रहा है। तो यस माय डियर लिब्रास, होप यहाँ से आपको गाइडेंस मिली हो, होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो, हुई है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और थैंक यू से ज़्यादा आप जो भी ये आपको गाइडेंस दी गई है, इस पर काम कीजिए, ठीक है। उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ। जो क्लैरिटी आपको अभी नहीं मिल रही है, वो क्लैरिटी आपको मिल पाए, वो एक जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो पाए, जो भी चीज़, ये ये वो चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में माय डियर चाहते हो। ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक सबके लिए आया है, कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन उससे पहले का वर्क आपको करना पड़ेगा। इस वक्त में बस आप सरेंडर कर दो और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। आप सिर्फ अपने अंदर काम करो, बाहर का काम फिलहाल के लिए छोड़ दो, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना छोड़ दो। ये सिर्फ रेस्ट करने का है, डिवाइन से कनेक्ट होने का है, मेडिटेट करने का है, और क्या बोला था हमने, हील करने का है, ठीक है। बाकी बाहर की जो भी सिचुएशंस चल रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड ये टावर की एनर्जी से, ये जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, ये डिवाइन संभाल रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप लोग बैक सीट पर हो, और जो ड्राइव कर रहे हैं ना, वो डिवाइन कर रहे हैं। तो वो जहाँ ले जा रहे हैं ना, वहाँ भी चलते रहो, क्वेश्चनिंग मत करो, डाउट्स मत लेकर के आओ, ट्रस्ट रखो, दैट्स इट, ठीक है। ये फेद, ये ट्रस्ट, ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त में लिब्रास। तो यस माय डियर लिब्रास, मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में देख रही हूँ। आपकी विजडम भी यहाँ पर ओपन होते हुए देख रही हूँ। सी ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, एक साइकिल आप क्लोज कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ है ना आपकी, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो सकता है, आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, वर्क को लेकर के हो सकता है, एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई भी है, बेसिकली कंप्लीशन, ठीक है, बैलेंस किया जा रहा है आपको, आपको एक ब्यूटीफुल अबंडेंट लाइफ की तरफ आपको आगे लेकर के जाया जा रहा है। तो उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, उस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़, कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।